हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाल होने वाली है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पसंद आती तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में जो कि मैक्सिमम लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं 30,000 रुपए तक का। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से ये लोन प्रोवाइड कराती है, सारी जानकारी आपके सामने लाइव करने वाला हूँ, यानी कि लाइव रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा किस तरह से वेरिफिकेशन कराते हैं और कौन सा एप्लीकेशन है और किस तरह से यहाँ पर लाइव अप्रूव ले सकते हैं। सारे चीज़ें मैं रजिस्टर से लेकर लाइव अप्रूवल तक मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बैंक खाते में लोन अमाउंट को लेकर दिखाऊंगा। सारी चीज़ यहाँ पर लाइव प्रोसेस होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन से कभी लोन अमाउंट लिए हैं तो किस तरह से रिपेमेंट कर सकते हैं इसकी जानकारी भी इस वीडियो में मैंने दिया है और ये भी चीज़ें देखेंगे अगर आप टाइम टू टाइम अगर रिपेमेंट्स करते हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर लोन लिमिट्स बढ़ती है या नहीं, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में लाइव प्रूफ कर देने वाला हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करूँगा और आपको लाइव प्रूफ आपको बताऊँगा किस तरह से एप्लीकेशन ओवरऑल काम करती है। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। तो आज हम बात करने वाले ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में जो कि मैक्सिमम लोन आपको यहाँ पर 30,000 रुपए तक का प्रोवाइड कराती है। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपके लाइव के सामने लाइव करने वाला हूँ कि किस तरह से ये इंस्टेंट पर्सनल लोन देती है और सारी चीज़ें लाइव प्रूफ आपको बताऊंगा कि मुझे कितनी की लिमिट्स मिली है, अगर आप इस एप्लीकेशन से कभी लोन अमाउंट्स लिए हैं तो किस तरह से आप रिपेमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सारी जानकारी लेने के बाद ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि मुझे कितनी की लिमिट्स मिली है और अगर इस एप्लीकेशन से लोन अमाउंट लिए हैं तो किस तरह से रिपेमेंट करेंगे, सारी जानकारी लाइव प्रूफ आपके सामने देने वाला। चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। दोस्तों मैं अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ किस एप्लीकेशन के बारे में। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 4,000 रुपये की लिमिट्स मिली थी, ऊपर में देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन अमित के नाम से है और यहाँ पर 4,030 रुपये मुझे यहाँ पर पेमेंट्स करने होंगे 4 दिनों के अंदर में। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 15 नवंबर को यहाँ पर रिपेमेंट्स करने होंगे। जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट अप्रूव हो चुकी है, बस यहाँ पर रिपेमेंट्स हमें करना होगा टाइम टू टाइम और यहाँ पर क्रेडिट स्कोर भी आपका बिल्डअप हो सकता है, क्रेडिट स्कोर आपका यहाँ पर बिल्डअप हो जाता है, यानी कि अच्छे से अगर टाइम टू टाइम रिपेमेंट्स करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 300 से लेकर 850 तक यहाँ आपका सिविल स्कोर इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, यानी कि आपका अपग्रेड होगा अगर आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट्स करेंगे तो यहाँ साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर जैसे आप रिपेमेंट करेंगे टाइम टू टाइम तो आपका वैल्यू भी आपकी बढ़ जाती है और सिविल स्कोर भी आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। बात करें यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4,000 रुपये का लोन अमाउंट मैंने निकाला था, वहीं प्रोसेसिंग फी के बात को तो 400 रुपये यहाँ पर लिए गए हैं, वन टाइम एक्टिवेशन फी आपसे 200 रुपये लिए गए हैं और वहीं पर देख सकते हैं 18% यहाँ पर यानी कि GST के रूप में आपको 122 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर ड्यू डेट यहाँ पर देख सकते हैं 15 नवंबर 2019 को यहाँ पर पेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट रेट की बात हो तो वहीं पर कम है, बहुत ही 30 रुपये आपको यहाँ पर देने पड़ रहे हैं और यहाँ पे बैंक खाते में 3197 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे। अगर लेट रिपेमेंट करते हैं तो 3.5% आपको यहाँ पर चार्ज किया जाएगा GST के साथ। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर आप टाइम टू टाइम पर रिपेमेंट्स करते हो तो डेफिनेटली आपका सिविल स्कोर तो बढ़ जाता है, लेकिन आपका वन टाइम एक्टिवेशन फी जो होगा दोस्तों ये 2 साल का वैलिडिटी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे में मेंशन किया हुआ है तो 2 साल का आपका वैलिडिटी हो जाता है, एक्टिवेशन फी आपसे 280 रुपये एक ही बार आपसे लिए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिसवल जो हुए थे मेरे बैंक खाते में 3,197 रुपये और हमें रिपेमेंट करना 4,030 रुपये और रिपेमेंट डेट यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में 15 नवंबर 2019 को रिपेमेंट करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे किस तरह से इस एप्लीकेशन को हम अगर लोन अमाउंट लिए हैं तो किस तरह से रिपेमेंट करेंगे इसके बारे में हम पहले यहाँ पर देखेंगे। पे नाउ के ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया सा टैब ओपन हो जाता है स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई तरह का पेमेंट मेथड आपको मिल जाता है। अगर आप UPI के जरिए से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इनका बैंक ट्रांसफ़र आप अगर नॉर्मली आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है,
IFSC कोड के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर UPI के जरिए से पेमेंट करूँगा। और भी चीज़ें मैं डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें करना होगा। अगर आप यहाँ जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर UPI ID का अगर हम बात करें तो आपको UPI ID आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी होगी, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। बात करें बैंक ट्रांसफ़र की तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका अलग से मैनुअली आपको यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर लेना होगा। बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट टाइप, ब्रांच, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ गूगल पे और फोन पे के जरिए से आपको बैंक ट्रांसफ़र नहीं करना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आती है बात यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट के जरिए से। अगर डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के जरिए से अगर आप पेमेंट करते हैं तो कन्वेंस फी आपसे चार्ज किया जाएगा 60 रुपये, ठीक है। जैसे स्क्रीन सामने देख सकते हैं, अगर डेबिट कार्ड को हम सिलेक्ट करते हैं तो 4090.5% आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो फाइनली यहाँ पर सही तरीका ये है कि हम UPI के जरिए से आपको पेमेंट करके बताएंगे, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे तो आपको चलना क्या है, आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से UPI के एड्रेस के जरिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं एप्लीकेशन यहाँ पर फ़ोन पे का ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ी सी प्रोसेस होगी एप्लीकेशन का, और आपको यहाँ पर जाना है कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में। जैसे आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको UPI ID के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और ऊपर में आपको जो कॉपी आप UPI ID की है आपको यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर लेना है। तो चलिए हम सिंपल यहाँ से उस कॉपी जो किए हैं इसे यहाँ पर आप पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस लोन के नाम से आपको मिल जाएगी इस तरह से, तो आपको इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको 4030 रुपये पेमेंट करना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका जो लोन अमाउंट होगा रिपेमेंट करने के लिए वो लोन अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 4030 रुपये, और अपने यहाँ से डेबिट जिस बैंक से करना चाहते कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पर UPI पिन अपनी एंटर कर लेना है। पिन करने के बाद यहाँ से नीचे से चेकआउट कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो रही है, तो थोड़ी सी वीडियो को यहाँ पर स्किप कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल अभी पेंडिंग शो हो रही है, तो पेंडिंग शो होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली ऑलरेडी हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह लोन रिपेमेंट करना होता है, आप किसी भी जरिए से कर सकते हैं। भीम UPI बहुत ही सेफ है, भीम UPI के जरिए से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, आपसे कोई भी कॉन्फ्रेंस फीस आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। चलिए दोबारा से एप्लीकेशन किस्त एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और वहाँ पर देखते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये अपडेट नहीं हुई है, थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा ये अपडेट होने के बाद, क्योंकि अभी फिलहाल ये प्रोसेस नहीं हो रही है। यहाँ पर फिर से दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग रिफ्रेश करने के बाद भी ये अपडेट नहीं हुआ था। थोड़ी सी वीडियो को स्किप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, आपकी सिविल स्कोर बढ़ती है या नहीं। तो दोस्तों चलिए दोबारा से किस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और देखते हैं वहाँ का हमें अपडेट मिली है नहीं, या फिर ऑर्डर सक्सेसफुली हुआ है नहीं। तो चलिए दोबारा से एप्लीकेशन के यहाँ पर फाइनली ओपन कर लिया है, और दोबारा से वहाँ पर देख सकते हैं गेट क्रेडिट अप टू 30,000 रुपये की लिमिट आपको यहाँ मिल सकती है। फिर से दोबारा से वही सेम प्रोसेस करना होगा। ओके, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर 30,000 रुपये लेने के लिए यानी कि लेट्स गेट स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपके वो सारी डिटेल्स आपके सामने शो होगा जो आपने पहले फिलअप किया है, दोबारा से आपसे डिटेल्स फिलअप करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों क्या करना क्या है, यहाँ पर नीचे से कंटिन्यू कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप मेल हैं, जेंडर आपको चेंज करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ, आपके यहाँ पर सैलरीड पर्सन पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, अपने अनुसार यहाँ पर दे लीजिएगा। वहीं पे यहाँ पर गूगल की परमिशन मांगी जाएगी लोकेशन के लिए, तो आपको यहाँ से ओके कर लेना है। जैसे ओके लोकेशन ओपन कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछी जाएगी रेसिडेंटल टाइप, अपने अनुसार यहाँ पर चूज कीजिए, कोई अपना एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे से नेक्स्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे आपसे ये लोकेशन पूछी जाएगी, तो आपका लोकेशन जहाँ भी हो वो कन्फर्म कर लीजिएगा। तो मेरी ये सेट यहाँ पर लोकेशन हो चुकी है, मैं यहाँ पर कन्फर्म लोकेशन के ऊपर जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं फिलहाल ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर 4,000 से 4,500 रुपये की लिमिट फाइनली बढ़ चुकी है, स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, और ऊपर भी मैसेज आ चुका है अमित विश्वकर्मा यू आर एलिजिबल फॉर 4,500 रुपये। ये 30,000 रुपये लेने के लिए दोस्तों टाइम टू टाइम आपको रिपेमेंट्स करना होगा, तभी आपको यहाँ पर 30,000 रुपये तक का लोन लिमिट्स आपको मिल सकता है। दोस्तों ये अब अगर आप 4,500 रुपये लोन अमाउंट लेते हैं तो प्रोसेसिंग फी आपसे 450 रुपये लिए जाएंगे, GST आपसे यहाँ पर 81 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ड्यू डेट की बात करते वहीं पर अगर आज के डेट में लोन अमाउंट लेते हैं तो 26 नवंबर को आपको रिपेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट अमाउंट की बात करते वहीं पर 33 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, आपके बैंक खाते में आएंगे 4,469 रुपया। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपेमेंट अमाउंट की बात करो तो
₹33 आपको पेमेंट करना होगा। लोन अमाउंट के लेने के लिए ऐड बैंक अकाउंट यहाँ पर चूज कर लेना होगा। यहाँ पर फाइनली मेरा बैंक अकाउंट चूज किया हुआ है, तो मैं आगे का प्रोसेस नहीं ले सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर आगे का प्रोसेस नहीं दिखाना है, मुझे लोन अमाउंट की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर इस एप्लीकेशन से लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ लाइव प्रूफ के साथ कि किस तरह से आप अप्रूवल इंस्टेंट ले सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सबसे पहले वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट्स करते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिविल स्कोर भी आपका बिल्डअप हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर लिमिट्स भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, और जिन्हें एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दिया हूँ, ऑलरेडी इसके ऊपर लाइव वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक। तो दोस्तों लोन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए से कैसे लोन अमाउंट अपने पेटीएम वॉलेट से या फिर किसी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कीजिए। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है या फिर सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आधार कार्ड और सिर्फ पैन कार्ड के जरिए से लोन अमाउंट इजीली ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए एप्लीकेशन के साथ, आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।